ओम शांति। आज 9 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुनः देही अभिमानी बनने की शिक्षा दी है। बाबा कहे, जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे, अर्थात देह सहित सर्व धर्म को परित्याग करेंगे, तभी तुम ज्ञान की धारणा अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसीलिए देही अभिमानी बनना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ बाबा कहे, दुनिया में कहा जाता है परमात्मा एक ही निर्लेप है, उन्हें किसी भी बात का लेप छेप नहीं लगता है। परंतु जब मनुष्य ने अपने साथ ये बात लगा दी कि आत्मा सो परमात्मा है, इसलिए हमें भी किसी बात का लेप छेप नहीं लगता, तब मनुष्य के कर्म बुरे होते गए। तो इसीलिए बाबा कहे, इस बात को तुम्हें यथार्थ रीति सबको समझाना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्य ने आत्मा को निर्लेप कह दिया? उत्तर है, मनुष्य ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिससे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूं, ज्ञान का सागर हूं, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है, मुझे आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूं, शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूं। पहले पहले ये निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, यहां यह बात नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं इसलिए सुनने लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बने। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं तो वह भी गीता को याद कर कहेंगे, गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं, वेद तो मनुष्य ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे, निराकार भगवान
बैठकर कोई वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकारी रूप है, बाप तो है निराकार। बाप कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो, मुझे तो कहते ही है परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूं, बाबा तो हमेशा पिता ही है, मैं बालक नहीं बनता। मेरा एक ही नाम शिव है, तुम्हारे 84 नाम पड़े हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। बाबा कहे तुम्हारे 84 नाम पड़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूं, सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं है। बुद्ध को सोए हुए दिखाते हैं तो कितना लंबा उसका पूरा स्वरूप दिखाते हैं, मनुष्य तो होता नहीं। यह मान देते हैं उसको लंबा बड़ा बनाना, ये भी एक प्रकार का बाबा कहे उनको मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे थे, ऊंच है, बड़ा था अर्थात बुद्धि से ज्ञान से बड़ा था। बाबा तो ऊंच थे, ऊंच है, बड़े थे बड़ा परमपिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सन्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा को ही नॉलेज है, गाते भी है परम पिता परमात्मा परमात्मा। वह ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है, परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है, आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और है। कहते हैं ना ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, अविनाशी परमात्मा को याद करते ही आए हैं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहां तो मनुष्य को बहुतों की याद रहती है, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहे? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूं बाप की याद में,
याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासिक का घर नहीं है, मनुष्य ने तो बाप का नाम ही प्राय लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रालब्ध जरूर बाप ने ही दी है। बाप समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ, यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। तो ये समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहां समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सोना हूं, तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेंट बन गई है। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर, हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं, बाबा से पढ़कर फिर जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना, इस शरीर में तो आना है परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती है। दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं, कहते हैं तुमको लिब्रेट कर जीवन मुक्त बनाता। बाबा कहे, मैं आकर के तुम्हें मुक्त कर जीवन मुक्त बनाता हूं। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता है ही एक, जो भी धर्म स्थापक है सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूं, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कौन है? मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क यही होता है। इस समय सब समझते हैं, क्या समझते हैं? ये नरक है। इतना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है, जिससे मनुष्य को डर हो और पाप करने से बच जाए। लेकिन ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई है, द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूं। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। दो युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। फिर एक दो के पीछे सब नंबरवार आते हैं द्वापर के बाद, और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उनके चित्र भी है, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सत्युग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है,
यहां तो देखो जगदम्बा का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगदम्बा यह है ना, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रख पाते हैं परंतु है नहीं। कहां वह लक्ष्मी नारायण, कहां ये विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख लेते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने ऊपर दे देते हैं। किसी ने अपने ऊपर नारायण नाम रख दिया, लक्ष्मी नाम रख दिया, तो बाबा कहे देवता धर्म को तो भूल गए लेकिन उनके टाइटल अपने ऊपर जरूर रख दिए। वास्तव में ऊंच से ऊंच मर्तबा तो एक का ही है, सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, कब और किसने स्थापन किया, कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते हैं। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र है। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है, कहते हैं प्रकृति का आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर क्या हुआ। बाबा कहे पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहां और कोई धर्म नहीं, अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाता है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को यह समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूं, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं, मैं हूं ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा। बाबा कहे कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है, बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता, स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही है तुम मात पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाप के बने हो इन द्वारा, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में यह नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जानन हार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं चैतन्य हूं, सत हूं। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूं, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है।
मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूं, ज्ञान का सागर हूं। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा बस, उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूं, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। यह इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है। मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूं। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है। यहां तो बरोबर भगवान वाच है, निश्चय करना चाहिए गॉड फादर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत है बर्थ प्लेस इसका, पतित पावन बाप का। ये बहुत उच्च खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं, जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो, सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी क्या करो, आत्मा को देखो शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। आज का स्लोगन है सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.